जी, पहले तो मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि कुछ दिन पहले मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा लिया था और जिस रफ्तार से अभियोजना चल रही थी और जैसे रिस्पांस आ रहा था उसको देख के लग रहा था कि लोगों में आज भी अभियोजना के प्रति कोई लगाव नहीं है या उनको नहीं लग रहा है कि इसका क्या फ़ायदा है और लोग आज भी पैसे नहीं भर रहे हैं, क्योंकि पहले कुछ एक ही हफ्ते में मैक्सिमम 9 करोड़ का कुछ वसूली हुआ था। तो आई वॉज सरप्राइज और मुझे लगा था कि हर साल के हिसाब से जैसे 7 सालों में हो रहा है, इस बार भी अभय योजना का लोग फ़ायदा नहीं उठाएंगे। लेकिन आपको आज का दिन सेकेंड लास्ट डे है, कल लास्ट डे है 15 दिनों का या अभय योजना का, बट अभी जो ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा है वो बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि अभी जो लोग आगे आके पैसे भर रहे हैं उनका मैं आपको डिटेल्स दूँ तो इवन आई एम सरप्राइज के कल तक जो हमारी टोटल वसूली है अभय योजना और जो पहले 57 करोड़ जो हमने वसूल की थे विदाउट अभय योजना, टोटल 84,60,97,996 कल का फिगर था, और आज 5,56,81,210 अभी 7:15 है, और अब तक का फिगर है प्लस जो हमारी चेक की अमाउंट है वो 6,65,19,578 की है। मतलब टोटल देखा जाए तो आज की घड़ी में टोटल रिकवरी प्रॉपर्टी टैक्स की इस साल की 96,82,98,784 होती है, विच इज़ वेरी गुड फिगर। लास्ट ईयर 71 करोड़ पे रुकी थी हमारी वसूली, ये टाइम हम बहुत आगे निकल गए हैं और मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है, क्योंकि हमने हर तरीके से अभी लोगों को अप्रोच करना शुरू किया है। पहली बात तो लोग ईगरली वेट कर रहे थे अभय योजना की, और अभी उनको पता चल गया कि ये अभी आई है, अगले साल आएगी कि नहीं उसका कोई भरोसा नहीं। प्लस हमारी ऑटो रिक्शाएँ घूम रही है, अनुराग जी जैसे हमें अच्छे होस्ट मिल जाए, वो हर जगह पे रुक के माइक लेके माइक पे लोगों को आवाहन करे कि आप भरो, और एक एक इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज आपको बताए। आज भी वो आए थे, उन्होंने एक स्टोरी बताई कि एक गन्ने का जूस बेचने वाला बंदा है, उसका 1 लाख तक उसका यहाँ घर है, उन्होंने बहुत सालों से टैक्स नहीं भरा था, 1 लाख तक इतने सालों से उनका बकायदा ये एरियर्स हो गए थे, उन्होंने अभी, वो अभी बोल रहे हैं मैं उनसे बात करके आया, अभी मैंने देखा ऑफिस में वो पैसे भर रहे हैं टैक्स के। मतलब ऐसा नहीं कि जिनके बहुत बड़ी थक बाकी वो भर रहे हैं, अभी छोटे से छोटे लोग, मतलब जिनकी छोटी चीज छोटी अमाउंट है टैक्स की, वो लोग भी पैसे भर रहे आगे आके, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। और भी बहुत सारे किस्से कहानियां उनके पास है, वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, 2018 में बहुत सारे लोग जो थे प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ कोर्ट में गए थे। मेरे पास लिस्ट है, उसमें से 8 कोर्ट केसेस के जो भी पिटिशनर थे उन्होंने टैक्स भर दिया है, हालांकि उनके केसेस अभी भी चल रहे हैं, वी आर ऑल्सो फाइटिंग फ्रॉम द कॉरपोरेशन साइड। लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि जो लोग कोर्ट गए हैं 2018 से जो कोर्ट केस चल रही है, वो लोग भी, इनफैक्ट द कोर्ट केस इज स्टिल पेंडिंग, दे आर पेइंग ऑफ देयर ड्यू जस्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ अभय योजना। मैं आपको बता दूं, उसमें से बड़े बड़े जो नाम है, जो हमारी कॉरपोरेशन की मेन ऑफिस है, वहाँ से निकल के हम जब गोल मैदान जाते हैं, वो कॉर्नर पे आपको सबको पता होगा कि बहुत फेमस मेडिकल स्टोर है, वेलनेस मेडिकल, उनका जो था 19,36,773 उन्होंने आज भर दिया, हालांकि उनका कोर्ट केस शुरू है, एंड दिस कोर्ट केस नंबर इज CN नंबर 274/2018 कल्याण कोर्ट में चल रहा है। दूसरा है CN नंबर 274/2018, वो भी कल्याण कोर्ट में चल रहा है, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। ये कोटक महिंद्रा बैंक का 56,80,326 का थकबा की था, ये भी कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन उन्होंने आज भर दिया। और एक है प्रीतम दास जी अंशीमल जी का है, सुपर लैब जो बोलते हैं 17 सेक्शन में, सुपर लैब आपको पता होगा, इट्स अ वेरी फेमस प्लेस, और उनका भी सिविल अपील
283/2017 पेंडिंग है, रिट पिटीशन 738/2017 पेंडिंग है और उनका टोटल टैक्स था 22,14,507, वो भी उन्होंने भर दिया है। सो टोटल 1,20,93,290 अमाउंट जो वसूल हुई है उन्होंने खुद करके भरी है, जो कि कोर्ट केसेस शुरू है। तो मुझे अभी जो बाकी कोर्ट केसेस बचे हैं उनको भी, वो पिटिशनर को भी मुझे आवाहन करना है कि सर ये लोग भर रहे हैं पैसे और अभय योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आप भी आगे आके अभय योजना का लाभ लीजिए, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू ऑल्सो कि आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। और आपके कोर्ट केसेस, आपको भी पता है कि दे आर नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन समथिंग विच इज़ इन योर फेवर, तो ये कभी भी अच्छा रहता है। और मे बी उनके एडवोकेट ने भी सलाह दी होगी, तो मुझे सभी करदाताओं को रिक्वेस्ट है जो कोर्ट में गए हैं कि आप अभय योजना का लाभ उठाइए, कल का एक दिन बाकी है, आप प्लीज़ आगे आइए एंड यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस अभय योजना। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।